ये रहा, ये गाइस सीधे उड़ के आया है डायगोनली से। अगर आपने हैरी पॉटर देखा तो समझ गए होंगे, चूमंतर गली से आया है। चूमंतर गली वैसे ये है बहुत कमाल का गाइस। बेस्ट पार्ट इसमें क्या लगा ना, ये मोस्ट अफोर्डेबल आप मान सकते हैं, जहाँ पे आपको साउंड बार एंड वूफर दोनों एक साथ मिलता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई नीड है तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। इन क्विक सिंपल वे में सारी बातें आपको बताता हूँ विथ प्रोज एंड कॉन्स। क्या आप इस प्रोडक्ट को बाय करें ना बाय करें? आई थिंक आप बाय जरूर करेंगे बिकॉज इस प्रोडक्ट में प्रोज ज़्यादा है और कॉन्स कम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने इसको टीवी से कनेक्ट करके रखा हुआ है सेटअप दिखाने के लिए, इनकेस आप भी लगाते हैं तो कुछ ऐसा ही फील आपको मिल जाएगा। एंड ये 55 इंच की टीवी है तो उसके सामने ये दिखने में कितना बड़ा लग सकता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। रिमेंबर इससे पहले मैंने आपको दिखाया था बिग साउंड बार्स हमने रिव्यू किए थे, तो वो यहाँ तक आ जाते थे। उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि पूरा स्पेस एक तरीके से घिर जाता था। लेकिन इसका भी एक कॉन्स है, वो भी आगे बताता हूँ। एंड ये रहा प्रोडक्ट, छोटा सा प्रोडक्ट है, बहुत हैवी भी नहीं है, हाफ केजी के अंदर इसका वेट है। और साथ में ये रहा साउंड बार जो यहाँ सामने लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कूल पार्ट क्या लग रही ना, ये जो इसमें फिनिशिंग दी गई है ये बहुत ही अच्छी है। ये ट्रू फैब्रिक यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको टच करेंगे ना तो आपको एकदम पूरी कपड़े वाली फीलिंग आएगी बिकॉज ये एक्चुअली में फैब्रिक ही है। एंड पीछे ये मैट फिनिशिंग में यहाँ पे आपको वो मिलते हैं, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। टॉप में आप देख सकते हैं बटन क्या है, पावर ऑन पावर ऑफ का है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड बैक साइड में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं, लेकिन सारे एसेंशियल्स दिए गए हैं जैसे कि ऑफकोर्स एक एंड ये वूफर का आउटपुट है। ऑक्स के भी लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे कोएक्सियल नहीं लगता है, बट आप यूएसबी भी लगा सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। छोटा सा यहाँ पे एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे एक ये पावर एडाप्टर का स्विच दिया गया है। यहाँ पे कोई भी बैटरी पावर कनेक्शन नहीं है, अगर आप वायरलेसली लेना चाहते हैं तो वो कनेक्ट नहीं पाता है। ब्लूटूथ है तो आप ब्लूटूथ से अदर टीवी पे या उसको पेयर कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड वूफर की बात नहीं गाइस, ये भी बहुत भारी नहीं है, ये भी छोटा सा ही दिया गया बिकॉज ये मिनी सिस्टम है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा गाइस यहाँ पे तारों का जंजाल फैला हुआ है, तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसे डिज़ाइन किया था तो थोड़ी इसमें फ्लॉ रह गई, दैट्स वाई यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब चलिए इसके बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। वैसे मेरी टीवी में कोई यूएसबी पोर्ट नहीं है, जस्ट यहाँ पे ना वो दूसरे वाली केबल्स लगती हैं, तो मैंने इसको फ़ोन से कास्ट किया। यहाँ पे हम वोकल्स और साउंड टेस्ट करते हैं, बाद में हम लाउडनेस नेटफ्लिक्स से प्ले करके चेक करेंगे। एक छोटा सा डेमो आपने देख लिया। एंड जो मैंने फील किया जितने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो है इसकी जो लाउडनेस है। वो तो अभी मैं आपको एक्सट्रीम लाउड करके दिखाता हूँ, लेकिन जो इस लाउडनेस पे क्वालिटी आ रही है ना वो बहुत अच्छी है। स्पेशली जो इसका बैस है बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है, वोकल्स भी प्रॉपरली सेपरेट है आपने, इसीलिए मैंने एक अलग सी म्यूज़िक पे की थी, मैंने कोई और यहाँ पे कंटेंट प्ले नहीं किया, वो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं प्ले किया। सो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है फॉर द प्राइस जिसमें ये मिल रहा है। और इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ इससे प्रीवियसली जो मैं सुन रहा हूँ वो अराउंड 10,000 का है, तो उससे इक्विवेलेंट के अराउंड साउंड मिल रहा है। ऑफकोर्स उतने महंगे को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन उस लेवल की आपको क्वालिटी यहाँ पर मिल सकती है। अब इसमें हम फुल लाउडनेस पे टेस्ट करते हैं। वैसे ये सुपर लाउडेस्ट तो नहीं है इस प्राइस का, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन रहेगी। राइट, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अराउंड 20-25% पे मैंने रखा हुआ है। हाल ही में नाइट्स को उनके प्लान के बारे में पता चला और उन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया। क्लाउस और वरूका तो शैतानों के भी शैतान है, वो षड्यंत्र रचकर महारानी तक पहुँच गए और उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने रास्ते में आने वाले सभी को मार दिया। बच गई और आया ना मजा। तो यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस की होगी, फर्स्ट कि ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जा रहे हैं, और वो कंट्रोल करने के लिए आप वहाँ से भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं। मैंने अभी वहाँ पे फुल कर रखा है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ कि अगर आपको एक छोटी मोटी पार्टी वाला वाइब करना है ना घर में या अपने लिविंग रूम में कहीं, तो ये काफ़ी लाउड हो जा रहा है और मोर देन आप कह सकते हैं इनफ है। और क्वालिटी भी ठीक आ रही है, ऐसा मुझे नहीं लगा कि फुल लाउड पर डिस्टॉर्शन आ रहा है। प्राइस हिसाब से मुझे लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब आपको मैं छोटी मोटी कॉन्स बताता हूँ जो मैंने इसमें नोटिस की थी। फर्स्ट ये कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रिमोट नहीं दिया गया। लाइक अगर ऐसा छोटा सा रिमोट होता है ना तो आप रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लूटूथ या ऑक्स केबल, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो आपको मैनुअली यहाँ से आके पावर ऑन पावर ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पे कोई भी ऑटो पावर ऑफ मैंने नोटिस नहीं किया, इनकेस आप भूल गए ऑफ करना। तो अपने आप हाफ एन आवर या 1 आवर जो भी है ऑफ हो जाए, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्लस यहाँ पे कोई भी ऐसा बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि आप इसको कहीं भी मूव करके ले जाएंगे, तो ये साउंड बार है, कोई ऐसे पोर्टेबल स्पीकर नहीं है। जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चीज़ इसमें नहीं दी गई है। सो या गाइज, दैट्स इट विद दिस मिवी फोर्ट S36। कम प्राइस में आप एक बढ़िया क्वालिटी का साउंड बार चाहते हैं ना, विद अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड प्रीमियम फिनिशिंग, देन इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है। जस्ट ये कॉम्बिनेशन आपको फॉर दी लॉन्च ऑफर में आपको 2499 का मिल रहा है। उसके बाद इसका प्राइस 3000 हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस अलग हो सकता है, दूसरे मॉडल हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड दिस। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।